हे गाइज वेलकम माई अनदर एडिटिंग वीडियो गाइज। अभी स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हैं कलर ग्रेडिंग घूमने वाली वीडियो गाइज। इस टाइप का ट्रेंडिंग वीडियो को आप कैसे बना सकते हैं VN एप्लीकेशन के मदद से गाइज, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गाइज। हालांकि इस टाइप के वीडियो अभी रील्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है गाइज, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, हर कोई इस टाइप का वीडियो को क्रिएट करके डाल रहा है गाइज। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस टाइप का वीडियो को VN एप्लीकेशन से क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो का कर दे इसे लाइक। तो चलिए गाइज वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, घूमने वाली ट्रेंडिंग वीडियो इफेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले VN एप्लीकेशन पे आना है। और ये वाली जो ट्रेंडिंग इफेक्ट आप किसी भी एप्लीकेशन पे बना सकते हैं, बट मैं VN एप्लीकेशन पे बना रहा हूँ क्योंकि VN एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है गाइज। सो इसके लिए गाइज सबसे पहले आपको क्या करना, प्लस वाला आइकन को क्लिक कर लेना, न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना और कोई भी जिस पे भी आप घूमने वाला इफेक्ट बनाना चाहते हो उसका वीडियो इम्पोर्ट कर लेना। जैसे मैं बाबू भैया का बनाने वाला हूँ गाइज, सो इनका बाबू भैया वाला वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से जैसे कि वीडियो इम्पोर्ट हो गया और जो भी लास्ट वाले पार्ट है, जो भी मतलब वाटर मार्क वाली पार्ट है, इसको हटा लेता हूँ। देन आपको करना क्या होगा कि ये वाली जो वीडियो है इस पर सबसे पहले कलर ग्रेडिंग करना है। कलर ग्रेडिंग के लिए फिल्टर्स वाले ऑप्शन पे जाना, और जैसे कि मैंने बहुत सारे एडवांस फिल्टर्स को इंपोर्ट करके रखा है, अगर आपको भी ये सारे फिल्टर्स चाहिए तो मेरे गाइज टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, या तो मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, तो आप जाके देख सकते हो। सो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे सारे मतलब ये फ़िल्टर्स के लिंक। तो मैं गाइज जैसे कि मैं ये वाले फ़िल्टर्स यूज करने वाला हूँ, और देन फ़िल्टर्स यूज करने के बाद थोड़ा एडजस्ट भी कर लेना ताकि ये जो फ़िल्टर है काफ़ी ज़्यादा सही लगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आप भी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी का भी वीडियो ले रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब उसके वीडियो के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर लेनी है, ताकि ऐसा ना लगे कि आप वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ कर दिए जो बेकार लग रहा है, ठीक है। एकदम नेचुरल जैसा फील होना चाहिए, जैसे एकदम प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करने के बाद ये कुछ इस टाइप से, और हुए मोड को मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ, ओके। और यहाँ से मैं हाईलाइटेड को थोड़ा सा कर देता हूँ, शेडो को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ, ऐसे डन कर देना। जैसे कि हमारा वीडियो कुछ इस टाइप से हो गया, देख सकते हो। और जब वीडियो इतना हो जाए तो वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट कर लेना यहाँ से। सो गाइज, जब वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाए यहाँ से, तो सेव टू एल्बम करना, देन आपको प्लस वाला आइकन को क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना, देन आपको फिर से वही वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है गाइज। जो वीडियो को आपने मतलब बनाया था उसको नहीं, जो पहले आपने इंपोर्ट किया था, जैसे ये रॉ मटेरियल को, ठीक है, ये वाली वीडियो को फिर से इंपोर्ट कर लेना। देन आपको ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है गाइज, यहाँ जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको वीडियो वाले ऑप्शन पे जाना है, और जो वीडियो को आपने कलर ग्रेडिंग करी थी इंपोर्ट करके, वो वाले वीडियो को इंपोर्ट कर लेना फिर से यहाँ से। और इसको इंपोर्ट करने के बाद देख सकते हैं कि वीडियो हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि पहला वीडियो और ये लेयर वाला वीडियो सेम टू सेम है, तो आपको क्या करना है, इसको जाना है इधर थोड़ा स्लाइड करना, और यहाँ पर आपको नीचे में मिल जाता है फील्ड या फिट, दोनों में से एक कर सकते हो। तो आपको फिल या फिर जो भी अच्छा लग रहा है वो कर लेना, क्योंकि इससे फुल स्क्रीन में आ जाता है ये वीडियो। देन आपका जब इतना हो जाए तो आपको यहाँ पर जाना सेकंड लेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मास्क वाले एक ऑप्शन। सो आपको मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेनी है, और यहाँ पर लाइनर का एक ऑप्शन मिलता है। सो लाइनर वाले इफेक्ट पर जाना है, और ये जो इफेक्ट, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, इसको आपको रोटेट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रोटेट कर देता हूँ, देख सकते हैं कि आधा पे मेरा पहले वाला वीडियो है और आधा पे कलर ग्रेडिंग वाली वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइनिंग को सीधा करके रखना है, ओके, ऐसे। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक की फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइज, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक की लगानी है, ओके। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट में एक की लगाना है, और यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर देना है ऐसे। फिर आगे में थोड़ा सा की लगाना है, फिर ऐसे रोटेट कर देना, और ज़्यादा ट्राई करना कि डिस्टेंस में की लगाओ, ताकि मतलब एकदम बेकार ना लगे वीडियो, ठीक है, देखने में ऐसे करके, और ऐसे, और लास्ट में आपको ऐसे की लगानी है, ओके। अब मैं एक बार वीडियो को आपको प्ले करके दिखा दूँ, तो कुछ वीडियो हमारा इस टाइप से दिखने को मिलेगा, देख सकते हैं गाइस। तो आपका जो वीडियो मैंने बोला था गाइज, उस टाइप का वीडियो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो गाइज कितना बेहतरीन ढंग से ये वीडियो हमारा बन चुका है गाइज। और थोड़ा सा और सही करने के लिए आप चाहो तो यहाँ से कलर ग्रेडिंग वाली जो ऑप्शन है इस पे जाना, और जो मेन वीडियो है गाइज इसका थोड़ा सा जो ब्राइटनेस हो कम कर देना, ओके।
ब्राइटनेस कम कर देना, कॉन्ट्रास्ट लेवल को कम कर देना, मतलब ख़राब कर देना वीडियो को, ये इस टाइप से कर देना, तो आपका जो ये वाला इफेक्ट ज़्यादा बेहतरीन लगेगा देखने में। तो इस टाइप से आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हो गाइज, और देन वीडियो को यहाँ से सेव कर लेना जब वीडियो क्रिएट हो जाए। तो बस यही था गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगी और इसी टाइप का ट्रेंडिंग वीडियो आपको सीखना है, एडिटिंग करना है, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नए ट्रेंडिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।